हे गाइस, माय नेम इज सतीश और आप देख रहे हो सेट जो में एक अनबॉक्सिंग। तो हम करेंगे वीवो Y95 के अनबॉक्सिंग और इसे कंपनी ने लॉन्च कर दिया ऑफलाइन मार्केट के अंदर 17,000 रुपये के प्राइस रेंज में। तो देख लीजिए, यहाँ पर आपको Y95 की ब्रांडिंग मिल जाएगी 20 मेगापिक्सल के साथ। उसके साथ ही हमें देख सकते हैं इसके अंदर भी हमें ड्यूल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है वाटर नोज डिस्प्ले के साथ। पीछे की तरफ आप आओगे तो साइड डिटेल्स मैंशन है, जैसे कि हमें दिख जाती है इसके अंदर फुल व्यू वाली डिस्प्ले, 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4030mAh की बैटरी और जिसका प्राइस 18,990 रुपये, लेकिन ये आपको 16,990 रुपये या 17,000 रुपये में मिल जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं अपने डिवाइस को ऑन डिवाइस। तो जल्दी से कर लेते हैं इस बॉक्स को कट, इस सील को कट कर लेते हैं जो बॉक्स के ऊपर हमारी लगी हुई है, और अपने डिवाइस को भी निकाल लेते हैं बॉक्स से बाहर। तो चलिए कट करते हैं इसको। तो इसे कंपनी ने लॉन्च कर दिया है ऑफलाइन मार्केट के अंदर और देखते हैं कैसी डिवाइस है, कैसी डिवाइस की क्वालिटी है। तो चेक करते हैं, चलिए खोलते हैं अपने बॉक्स को। तो बॉक्स खोलते ही सबसे ऊपर हमें एक और छोटा सा बॉक्स दिख जाता है वाइट कलर का वीवो के ब्रांडिंग के साथ। तो चलिए इसके अंदर देख लेते हैं। वैसे तो हमें आइडिया है कि इसके अंदर बैक पैनल और यूज़र मैनुअल वगैरह ही होगा। तो हाँ जी, वही है, देख लीजिए कुछ तरीके से। यूज़र मैनुअल वारंटी कार्ड आपको इसके साथ ही मिलता है, वीवो का पेपर वर्क मिलता है वीवो की तरफ से, और ये आपको सिम जैक्शन पिन मिल जाती है इसी के साथ, और ये आपको वही ट्रांसपेरेंट वाला बैक कवर मिल जाता है। तो चलिए आते हैं अपने डिवाइस की तरफ। तो निकालते हैं इसे बॉक्स से बाहर। तो उस तरीके से आपको पैक करा हुआ मिलता है, देख लीजिए क्वालिटी देखेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर कुछ कंटेंट। तो इसके साथ हमें मिल जाती है माइक्रो टू माइक्रो यूएसबी की केबल, टाइप सी नहीं मिलती। अगर टाइप सी मिलती तो और अच्छा लगता, लेकिन आपको 17,000 रुपये का फ़ोन है तो टाइप सी तो बनती थी। उसी के साथ ही आपको इसमें एयरफोन मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से, इन ईयर टाइप है एप्पल टाइप के, जो डिज़ाइन एप्पल टाइप का उस तरीके का। ये कुछ AMI नंबर्स है और जो हमारा चार्जर है, देख लेते हैं इसका रेटिंग। तो इसका 5.2 एम्पियर का है, तो नॉर्मल चार्जर ही है, फास्ट लिखा तो कहीं नहीं, नॉर्मल ही होगा। तो ये है हमारे जो फ़ोन की बैटरी, वो 4030mAh की है। तो एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। तो हमारा एक शोरूम है बग्गा कम्युनिकेशन के नाम से पालम के अंदर। अगर आप पालम में कहीं भी रहते हो तो आप हमारे शोरूम पर आ सकते हो, और जो भी आपको ऑफलाइन मार्केट में लेटेस्ट डिवाइस आता है आप हमारे शॉप पर आकर, हमारे शोरूम पर आकर डिस्काउंट रेट्स जेन्युइन प्राइस पर आकर चेक कर सकते हो। और हमारे बड़े भैया का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो फ़ोन करके। तो जैसे कि हमारे पास सारे फ़ोन अवेलेबल हैं, आईफोन, नोकिया, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, मोटो। तो आपको जो भी फ़ोन चाहिए ऑफलाइन मार्केट में आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, या आपको सारे जेन्युइन प्राइस बता देंगे। तो चलिए, ये था एक हमारे भैया के लिए एक प्रमोशन वीडियो। तो चलिए आते हैं अपने डिवाइस की तरफ। तो कुछ तरीके से पैक किया हुआ, तो इसे निकालते हैं इस रैपिंग कवर से। तो देख लीजिए 6.2 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलती है हमें इसके अंदर। पीछे का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से मिलता है आपको, देख लीजिए डुअल कैमरा सेटअप कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, और आपको कलर देख लीजिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का डिज़ाइन भी थोड़ा चेंज मिल जाएगा, और देख लीजिए जो कलर क्वालिटी है काफ़ी अच्छी लग रही है पीछे की पैनल की। इसमें आपको ड्यूल टोन वाला कलर मिल जाता है पर्पल और ब्लू का, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है फ़ोन के ऊपर। तो चलिए कर लेते हैं इसको फर्स्ट बूट अप। तो सामने की तरफ देख सकते हो आप, जैसे कि आपको 6.2 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है, 20 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे के साथ, नॉच डिस्प्ले के साथ दिया हुआ है, और जो इसकी डिस्प्ले है वो आपको फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है। इसी का देख लेते हैं 19:9 वाला डिस्प्ले मिलता है आपको इसके अंदर। पीछे की तरफ आपको 13+2 का ड्यूल कैमरा सेटअप मिल जाता है LED फ्लैश के साथ। उसी के साथ फिंगरप्रिंट सेंसर का डिज़ाइन दिया हुआ, थोड़ा ऊपर की तरफ लगा हुआ फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें, और वीवो की ब्रांडिंग काफ़ी अच्छी लग रही है पीछे फ़ोन पर। देख लीजिए पैनल काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी कलरफुल है, काफ़ी डार्क कलर है ये, जो आपको इजीली दिखाई देगा। तो फ़ोन के लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम रोकर्स दिख जाते हैं, उसके साथ ही पावर बटन दिया हुआ है। राइट साइड में आपको सिम ट्रे मिल जाती है, चलिए चेक लेते हैं सिम ट्रे किस तरीके की है, हाइब्रिड तो नहीं है। तो हमारी जो हाइब्रिड सिम ट्रे नहीं है इसके अंदर, नॉर्मली सिम ट्रे मिलती है, जो कि आप इसमें दो सिम के साथ एक मेमोरी एसडी कार्ड भी लगा सकते हो। तो काफ़ी अच्छा फंक्शन है ये, ऊपर की तरफ आपको कुछ ज़्यादा नहीं मिलता। नीचे की तरफ आओगे तो आपको स्पीकर, माइक और चार्जिंग पॉइंट के साथ माइक मिल जाता है 3.5mm के जैक के साथ। तो देख लीजिए कुछ तरीके की क्वालिटी है, तो काफ़ी अच्छा है फ़ोन का डिज़ाइन। तो चलिए आते हैं इसकी स्क्रीन की क्वालिटी पर। तो देख लीजिए काफ़ी अच्छी स्क्रीन लग रही है, फुल HD डिस्प्ले मिलती है आपको इसके अंदर। तो ब्राइटनेस में चेक करता हूँ उसकी, तो फुल है आई थिंक। तो देख लीजिए काफ़ी अच्छी स्क्रीन लग रही है 19:9 वाली वाटर नॉच डिस्प्ले के साथ। तो देख लीजिए काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लग रहा है, ऊपर की तरफ मिल जाता है आपको स्पीकर सामने की तरफ, जो कि ऊपर की तरफ दिया हुआ है पैनल में, और नीचे आपको इन स्क्रीन बटन्स मिल जाते हैं। तो देख लीजिए काफ़ी अच्छे फ़ोन की क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है, तो कुछ इस तरीके से। तो चलिए आते हैं इसके, तो चलिए मैं आपको स्टोरेज भी चेक कराता हूँ, कितनी स्टोरेज हमें इसके अंदर मिल जाती है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है गूगल की तरफ से।
तो सेटिंग में आप जाके चेक कर लीजिए, आपको दिख जाएगा। तो देख लीजिए एंड्रॉयड वर्जन जो हमारा है इसके अंदर 8.1 है, ओरियो का लेटेस्ट वर्जन यही चल रहा है अभी। उसी के साथ ही देख लेते हैं इसमें जो हमें स्टोरेज मिल जाती है, देख लीजिए कुछ इस तरीके से। इसमें प्रोसेसर मिलता है 4 स्नैपड्रैगन का 439 वाला, 439 वाला 1.9 GHz का। तो देख लीजिए 4 GB रैम वाला वेरियंट है, 64 GB रोम वाला है। तो इस तरीके से आपको सारे फंक्शन मिलते हैं इसके अंदर। तो उसी के साथ आपको स्टोरेज भी मैं दिखा देता हूँ। तो रैम एंड स्टोरेज में आप चाहोगे तो देख लीजिए, आपको इस तरीके से दिखाई दे जाएगा। 4 GB रैम 64 में से आपको 52 GB लगभग फ्री मिल जाता है। चलिए फेस वगैरह और फिंगरप्रिंट सेंसर भी मैं लगाता हूँ इसके अंदर और देखते हैं कैसी क्वालिटी है, कितना फास्ट है, कितना एक्यूरेट काम करते हैं दोनों। तो मुझे जैसा लग रहा है कि जो उसका फिंगरप्रिंट सेंसर है थोड़ा ऊपर की तरफ दिया हुआ है, जिस थोड़ा सा आपको ऊपर की तरफ पकड़ना पड़ेगा फ़ोन को। तो फेस भी मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर, तो देख लीजिए। चलिए चेक करते हैं। तो मैंने फिंगर प्रिंट पर अपनी फिंगर लगाई और ये अनलॉक हो गया। तो काफ़ी फास्ट है नॉर्मल फ़ोनों की तरह। तो फिंगरप्रिंट देख लीजिए पहले कुछ इस तरीके से काम करता है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिया हुआ है, थोड़ा नीचे होना चाहिए था क्योंकि आपको अपना फिंगर थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाना पड़ेगा। तो देख लीजिए काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो चलिए फेस अनलॉक भी चेक कर लेते हैं इसका। तो मैंने ऐसे करा तो आई थिंक मुझे पावर बटन दबाना ही पड़ेगा। इसमें सेंसर नहीं है जो विदाउट पावर बटन के भी आप देखते ही लोग अनलॉक कर दे फ़ोन को। तो चलिए एक बार चेक करते हैं पावर बटन का लगा दबा कर भी। तो हाँ जी, पावर बटन आपको दबाना ही पड़ेगा, एक बार बूट करनी पड़ेगी स्क्रीन, उसके बाद ही आपको आपका फ़ोन अनलॉक होएगा। तो देख लीजिए कुछ तरीके से। तो आप जैसे फ़ोन को लाओगे सामने की तरफ तो आपको पावर बटन दबाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका फ़ोन अनलॉक होगा। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं हो रहा, आपको एक बार पावर बटन दबाना ही पड़ेगा। तो देख लीजिए, या कुछ सेटिंग होगी तो मैं सेटिंग चेक करके आपको बता दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए देखते हैं इसका कैमरे की क्वालिटी। सामने का जो कैमरा है इसमें 20 MP का है। तो देख लीजिए काफ़ी अच्छी क्लैरिटी दे रहा है। तो चलिए मैं कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करता हूँ। पहले आप देख लीजिए सारे फंक्शन इसके अंदर मिल जाते हैं आपको। आप इसमें ग्रुप फ़ोटो भी ले सकते हो, ज़्यादा लेंथ वगैरह चाहिए आपको तो फ़ोटो की कुछ इस तरीके से। तो पीछे का कैमरे की क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं। 13+2 का कैमरा मिलता है आपको इसके अंदर, ड्यूल कैमरा सेटअप। तो ये कुछ फ़ोटोज़ है जो मैंने क्लिक किया, तो देख लीजिए सामने के कैमरे की कुछ इस तरीके से आपको क्लैरिटी मिलेगी। देख लीजिए काफ़ी अच्छी क्लैरिटी है फ़ोन की। 20 MP का फ्रंट कैमरा है। तो आप देख लीजिए, आपको बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपका फ़ोन का कैमरा। और 17,000 रुपये आपको इस फ़ोन के लिए खर्च करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। ये बैक कैमरा है, देख लीजिए थोड़ा जूम करके मैंने क्लिक किया है। तो जिस उसके बाद भी काफ़ी अच्छी फ़ोटो क्लिक की है इस कैमरे ने, 13 MP के कैमरे ने। तो बताइए देखिए कैसी लगी आपको बैक कैमरे की क्वालिटी कमेंट बॉक्स के अंदर। तो चलिए गाइस, मैं आपको इसके अंदर बैक पैनल भी लगा के दिखा देता हूँ, बैक कवर ट्रांसपेरेंट वाला। तो क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे हैं इसके जो बैक कवर दिया है कंपनी ने। लेकिन मुझे इसके अंदर एक छोटा इशू लगा है, जो कि आप देख सकते हो कैमरा बम थोड़ा सा ज़्यादा है, जिस वजह से आपको प्रोटेक्शन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है कैमरा लेंस की तरफ। देख लीजिए बिल्कुल उसके ऊपर ही आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि आपको कहीं सपोर्ट मिल रहा हो। थोड़ा सा आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अपने कैमरा लेंस को। तो वो ज़्यादा कुछ इशू लगा नहीं मुझे, और थोड़ा सा प्राइस मुझे ज़्यादा लगा इस फ़ोन का। 14-15 हज़ार रुपये में फ़ोन आता तो और गजब हो जाता इस फ़ोन के लिए। तो चलिए, ये था एक वीवो Y95 के ऊपर एक छोटा सा रिव्यू। और आप मुझे बताइए कैसे लगी आपको वीडियो, और आपको अगर इस फ़ोन से कोई सवाल या जवाब हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, पूछो। तो चलिए इस वीडियो में गाइस इतना ही, मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।